हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिरिन्स फूड एंड लाइफ। तो आज मैं आपको घर पे बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट वेफर रोल कैसे बनाते हैं, जो कि सबके मनपसंद है बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें कि आगे भी आप हमारी अच्छी अच्छी रेसिपी देख सकें। तो चलिए हमारी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट वेफर रोल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, और इसमें ऐड करेंगे हम मैदा। तो यहाँ पर हम इसमें एक कप मैदा ऐड कर देंगे। मैदा डालने के बाद में यहाँ पर मैं इसमें ऐड करी हूँ आधा कप शुगर। तो यहाँ पर मैंने पाउडर शुगर का यूज़ करा है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर का हम यूज़ करेंगे, और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर, और लास्ट में यहाँ पर मैंने लिया है पिंच ऑफ सॉल्ट। चुटकी भर यहाँ पर हम इसमें नमक डालेंगे, और नमक डालने के बाद में एक बार हम इसको हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उनको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सभी चीज़ें हमने मिक्स कर ली है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 3 टेबल स्पून ऑयल, वो उसमें ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने आधा कप वार्म मिल्क लिया है, और उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। अभी थोड़ा डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। एंड नाउ थोड़ा और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मिलाकर हम इसे मिक्स करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने इसमें मिल्क को मिक्स कर लिया है। अब लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस का यूज़ करा है, और इसको भी हमारे बैटर के अंदर हम मिक्स कर देते हैं। तो ये लीजिए हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ ऐसा बैटर आपको बनाकर तैयार करना है। तो चलते हैं अब हम इसे कुक करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक पैन ले लिया है। आपको इस रेसिपी के अंदर एक नॉनस्टिक बर्तन की ज़रूरत होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे, बहुत ही कम लगाना है। और हमने जो बैटर बनाया था उसमें से 1 टेबल स्पून बैटर है वो हमें इसके अंदर ऐड डाल देंगे हम। और जैसे कि मैं आप देख सकते हैं मैं इसे थोड़ा चम्मच से फैला रही हूँ, थोड़ा हमें चम्मच से फैलाएँगे, और बाद में इसके अंदर जो ब्रश है यूज़ करूँगी, और इसे हम गोल गोल इसे पतला पतला करके फैला लेंगे। ये देखिए हमने एक वेफर को तो अच्छी तरीके से इसके ऊपर फैला दिया है। अब चलते हैं इसे कुक करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसे लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे 1-1.5 मिनट के लिए, जब तक कि जो इसके साइड है वो अलग नहीं हो जाएंगे। जब इसके साइड अलग होने लग जाए तो इसका मतलब ये बन गया है। तो अब हम इसे 1-1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम कुक कर लेंगे। ये देखिए अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसके साइड है वो आराम से अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्लिप कर देंगे। आप भी ध्यान रखिएगा, जब इसके साइड है वो आराम से बिना टूटे अलग होने लग जाए तो इसका मतलब ये तैयार हो चुका है। अब दूसरे साइड में फ्लिप करने के बाद में मैं इसे 30-40 सेकेंड के लिए लो फ्लेम के ऊपर कुक कर लेती हूँ। ये देखिए दूसरी साइड से भी कुक हो चुका है। अब हम चलते इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर प्लेट पर निकालने के बाद में यहाँ पर मैंने पेंसिल ली है, और पेंसिल से इसे फोल्ड कर लेंगे हम, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अच्छी तरीके से इसे हमें बंद करना होगा कि बाद में ये खुले ना। ये देखिए इसे हमने बना लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये प्रोसेस आपको जल्दी से करनी है, जैसे ही आपको इसे गैस से उतारे वैसे ही आप इसे जल्दी से एकदम फोल्ड कर दे। यहाँ पर देखिए मैं धीरे धीरे पेंसिल को निकाल लेती हूँ, एंड ये देखिए पेंसिल भी आराम से निकल चुकी है, और हमारा ये एक वेफर रोल बनकर तैयार हो चुका है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी तरीके से बना है ये। और अभी और फिनिशिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो साइड है वो कैंची से काट सकते हैं, जैसे कि अब मैं काटूंगी ये देखिए, और इससे और भी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, और आपका जो वेफर रोल है वो एकदम बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी जो हमारी वेफर रोल है उनको भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चलिए इसी तरीके से हम दूसरा वेफर रोल भी बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आप पहले किया था, थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने हमारा वेफर रोल का जो बैटर है वो डालेंगे। थोड़ा सा चम्मच से हम इसको फैलाएंगे, बाद में जो ब्रश है उसकी सहायता से इसे थोड़ा और फैला लेते हैं। ये देखिए दूसरा वेफर रोल भी बनकर तैयार है। अब चलते हैं इसे कुक करने के लिए। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर करनी है। इसे 1-1.5 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे, जब तक इसकी जो साइड्स है वो अलग नहीं हो जाती। तो अब मैं इसे 1-1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और कुक कर लेती हूँ। ये देखिए ये भी एकदम कुक होकर तैयार हो चुका है, जिसके आप देख सकते हैं इसके साइड्स है वो आराम से अलग हो रही है। तो अब हम इसको दूसरी साइड में पलट देंगे, और दूसरी साइड में इसे 30-40 सेकेंड तक हम लो फ्लेम पर कुक कर तैयार कर लेते हैं। हमारे दूसरे रैप को भी हमने तैयार कर लिया था। अब हम इसे प्लेट पर लेंगे, और जल्दी से गर्म गर्म के अंदर इसे पेंसिल की सहायता से इसे फोल्ड कर लेंगे, और थोड़ा सा जो लास्ट की जो एंडिंग होती है उसको आराम से एकदम बंद करें, जैसे कि बाद में खुले ना। एंड ये देखिए हमारा दूसरा वेफर रोल बनकर तैयार है। पेंसिल को हम बाहर निकाल लेते हैं। एंड ये देखिए कितना अच्छा एकदम शानदार बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैं जो बाकी वेफर रोल है उनको भी बनाकर हम तैयार कर लेंगे।
ये देखिए हमारे सारे वेफर रोल्स बनकर तैयार हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सभी एकदम शानदार बहुत ही अच्छे बने हैं। अब हम चलते हैं इन्हें चॉकलेट से फिल करने के लिए। हमारे चॉकलेट वेफर को फिल करने के लिए यहाँ पे मैंने मेल्टेड चॉकलेट ली है, उसको मैंने ऐसे कोन बनाकर उसमें डाल लिया था। आपके अगर पास में कोई थैली तो आप उसके अंदर ऐसे कोन बनाकर उसे डाल दें। अब हमारे जो चोको वेफर है उनको हम चॉकलेट से फिल कर लेंगे। यहाँ पे मैं मेल्टेड चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे किसी चोको स्प्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं फिल करने के लिए, आपको जो अच्छा लगे। एंगे देखिए एक हमने फिल कर तैयार कर लिया है, ये देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे जो बाकी वेफर्स हैं उनको भी हम चॉकलेट से फिल कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारे सारे चोको वेफर्स बनकर तैयार हैं। हमने डेकोरेशन के लिए इनके ऊपर थोड़ी चॉकलेट और लगा दी थी, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं ये, और एकदम क्रंची और टेस्टी बनकर तैयार हैं, एकदम बाजार जैसे। इस तरीके से आप भी इन्हें अपने घर पे बना सकते हैं, सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा हमारी रेसिपी को देखकर। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में हमारी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर watching.